तुम साहिल हो ना बेटा। हाँ, उस तस्वीर से तुम्हारा ये चेहरा बहुत मिलता है। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? और आप हैं कौन? राजलक्ष्मी नाम है मेरा, और मेरी कुंडली में लक्ष्मी पर राज करने का योग लिखा है। जी, तुम मुझे कैसे पहचानोगे? वैसे पायल और छुटकी का नाम तो तुम्हें याद होगा। हाँ, पायल छुटकी दोनों को जानता हूँ मैं, लेकिन आप कैसे जानती हो? मैं क्यों नहीं जानूंगी, मैं पायल की मौसी हूँ, राजलक्ष्मी। आप पायल की मौसी हैं? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं इसलिए पूछ। आइए ना, अंदर आइए। हे प्रभु, मेरी कुंडली में लक्ष्मी पे राज करने का योग लिखा है। अगर ऐसा घर मेरा होता तो आपकी लिखी बातें सच होती। मौसी जी, मौसी जी। हाँ बेटा। बैठिए ना, खड़ी क्यों है आप? घर में कौन कौन है? इस वक्त तो मैं अकेला हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तनु और दाई अम्मा बाहर गए हुए हैं। आप बताइए कैसे आना हुआ? देखा, जो बात बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। अब क्या बताओ बेटा, पायल पायल की हालत बहुत खराब है, वो यही अस्पताल में एडमिट है। हॉस्पिटल? किस हॉस्पिटल? सिटी अस्पताल में। लेकिन हुआ क्या है उसे? क्या बताऊं तुम्हें, कहते हैं ना जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, पायल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बेचारी, पहले उसकी माँ मर गई। माँ जी? हाँ, दीदी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। बच गई बेचारी अकेली, ये लड़की पायल, और उसके ऊपर छुटकी की जिम्मेदारी। पायल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। जब तक मैं वहां पहुंची उसकी हालत इस कदर बिगड़ गई थी कि गांव के डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। इसलिए उसे यहां ले आना पड़ा। छुटकी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया, मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन पायल ने मुझे रोका और कहने लगी कि तुम यही समझोगे कि हम तुम पर बोझ बनने आए हैं। अच्छा, तो पायल को ऐसा लगने लगा है। आप चलिए, मैं उसकी खबर लेता हूँ। आजकल की लड़कियां भी कमाल की होती हैं। न जाने ये काली बिल्ली कब मेरी किस्मत से निकलेगी। तुम्हें तो मेरी बातें बुरी लगेंगी, कुछ चाहे गलत करो तो भी अच्छा। माना कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम हमारी कदर ना भी करो, लेकिन अब तो मयंक घर वापस आ गया है, कम से कम कहीं जाने से पहले एक बार उससे तो पूछ लिया करो। नानी माँ, आपके कानों में कुछ खराबी है क्या? न जाने कितनी बार सुन चुकी हैं कि मेरा और मयंक का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। चलिए, कान तो खराब है आपके, आंखें तो सही है ना, दिखाई नहीं देता ना। मैंने मांग में सिंदूर भरा है ना, गले में मंगलसूत्र पहना है। ये तो आजकल की लड़कियों का फैशन हो गया, शायद तुम्हारी भी यही सोच है।
ताकि अमीर और खूबसूरत लड़कों को फंसा सकूं। आपको कोई एतराज है क्या? मुझे क्यों एतराज होने लगा? एतराज होगा मैम को, कहीं इश्क मोहब्बत का चक्कर मत चला लेना, वरना मयंक। मुझे मयंक की धौस मत दीजिएगा, वरना पुलिस में एक कंप्लेन करके मयंक के साथ साथ आपको भी हवालात की सैर करवा सकती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को अपने हाथों से सजा देना चाहती हूँ। लगता है अपनी नाजुक कलाइयों पर बहुत अभिमान है तुमको। इन नाजुक कलाइयों की तारीफ किए बगैर आप भी नहीं रहेंगी, और ऐसा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। आपको पता है मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा लाने जा रही हूँ। ओह, तो आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल गया। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब तो आपको दिन में तारे भी नजर आएंगे। बस एक बार मेरे लाए हुए तोहफे को देख लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। ये कैसी पहेली बुझा गई है? क्या खेल खेल रही है ये? कहाँ गई होगी? किसके पास गई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं इसने जो धमकी दी है वो? जीजा जी, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद माँ हमें पता चला मुझे बेटा, और जीजी की भी हालत। रो मत छुटकी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। खुद ही देख लो इसकी क्या हालत हो गई है। इसे देखकर मुझे भी बहुत रोना आता है, पर मैं रो नहीं सकती ना। मेरी हिम्मत टूट गई तो फिर इन दोनों का क्या होगा? इतना नाराज हूं मुझसे? मेरी तरफ देखोगी भी नहीं पायल? क्यों? मैंने कहा था ना मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। जीते जी मर गई तान, जीते जी मर गई तो दुनिया ही उजड़ गई। कैसी बातें कर रही हो पायल? तुम्हारी दुनिया कैसे उजड़ सकती है? छुटकी है, मौसी है। हाँ पायल, छुटकी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी। और अब तो ये तुम्हारा दोस्त साहिल भी आ गया है। मुझे माफ कर दो पायल, दोस्ती में माफी और शुक्रिया नहीं बोला जाता। और वो सारी बातें छोड़, पहले ये बताओ कि तुम शहर आकर सीधे मेरे पास क्यों नहीं? और क्या कहकर होगा तुमने मौसी को? यही कि तुम मुझ पर बोझ बन जाओगी? इसका मतलब जितने दिन मैं तुम्हारे पास गांव में रहा मैं तुम पर बोझ था। हाँ, ऐसे मत बोलो साहिल। साहिल, पायल ने मुझसे यही कहा था कि तुम्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे लगा कि तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं खुद चली आई तुमसे मिलने। और जबकि मैं तुम लोगों से गाँव में बोल कर आया कि जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, इसीलिए मैंने तुमको अपना नंबर दिया था, घर का पता भी दिया। गलती हो गई, माफ कर दो। बिल्कुल नहीं जीजा जी, माफ कर दो ना। जीजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ठीक, छुटकी कहती है तो मैं तुम्हें माफ कह देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना पाए, ये जो साहिल आज यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये सिर्फ तुम लोगों की वजह से। ये जिंदगी तुम लोगों की दी हुई है,
इस जिंदगी पर तुम लोगों का हक है पायल। मुझे कभी भी गैर समझने की भूल मत करना। बस भी करो ना साहिब, कहा ना गलती हो गई। अच्छा मौसी जी, डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर ने? हाँ बताइए। कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूँ और मैं जा सकती हूँ। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं साहिब, आप हर बात पे क्यों शक करते हो? हम भला अपने दोस्त से कुछ छुपा सकते हैं? ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। अब मैं लेट हो रहा हूँ, फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलता रहूँगा। जीजा जी, आप पक्का आओगे ना? मैं तुम्हारी पायल दीदी की तरह झूठ नहीं बोलता, याद है ना? अच्छा एक मिनट साहिब, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, ख्याल रखना अपनी दीदी का। मयंक, तुम काम्या के साथ जो भी कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। अरे जब वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसका हमारे साथ कोई रिश्ता है, तो हमें उससे कैसी हमदर्दी? हमदर्दी का तो सवाल ही नहीं उठता नानी माँ। वो मेरी पत्नी बनी कब? उसने तो एक दुश्मन से शादी की थी ताकि वो बदला ले सके। लेकिन मयंक, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम जानते हो उसने ममा को धमकाने की कोशिश भी की कि अगर वो चाहे तो हम सबको हवालात में बंद करवा सकती है। और ऐसा हो सकता है अगर वो कंप्लेन करे कि उसका पति और उसकी सास उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। उसे जो करना है करने दीजिए मॉम, मेरा तरीका बदलने वाला नहीं है। मयंक, मेरी मानो तो किसी भी तरह पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, क्योंकि उसकी अकड़ की वजह वो प्रॉपर्टी है जिसके आधे की हकदार काम्या है। रिलैक्स नानी मां, रिलैक्स। आप जैसा चाहती हैं सब कुछ वैसा ही होगा, और उसके लिए हमें काम्या से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मयंक, अगर तुम उससे कुछ कहोगे नहीं, दबाव नहीं डालोगे, तो वो अपने नाम की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर क्यों करेगी? करेगी मॉम, करेगी। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। मैं काम्या को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो हमारी सारी बातें मानकर अपने आप यहां से चली जाएगी। और ना सिर्फ हमारी सारी प्रॉपर्टी हमें वापस करके जाएगी, बल्कि मुझे मेरे सारे केसेस से भी परी करवा के जाएगी। और तब तक? तब तक मैं उसके साथ खेलता रहूंगा। बहुत परेशान किया है उसने हम लोगों को, उस हर परेशानी की सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। और उसके लिए सबसे बड़ी सजा यह है कि उसे मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, मेरी हर बात को मानना होगा। और जब जब वो मेरी बात मानने से इनकार करेगी, उसे मेरे गुस्से का शिकार होना होगा। और उसका नमूना तो आप लोग देख ही चुके हैं। कितना नीक लड़का है साहिब, अगर इसके बारे में तुम पहले ही मुझे बता देती तो बीते हुए दिन इतने मुश्किल से नहीं कटते। क्या कहा आपने साहिल से? कुछ तो आप उसे अपने साथ बाहर क्यों ले गई थी? वो हॉस्पिटल के बिल्स जो चुकाने थे। क्या आपने साहिल से हॉस्पिटल के बिल चुकवाए? मुझे क्या कर रही हैं आप? मुझे आंखें क्यों दिखा रही है? क्या किया मैंने? मुझे साहिल से पैसे दिलवाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। ये तो अच्छा हुआ
कि सही वक्त पर भगवान ने साहिल को यहाँ भेज दिया, पर ना जरा सोचो हम हॉस्पिटल के बिल्स कैसे चुकाते, सोचो क्या होता। जो भी होता कह लेती हूँ, लेकिन साहिल वाकई वो क्या सोचेगा कि हम उसका फायदा उठा रहे। देखो बेटा, उससे पैसे मांगकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, हर एक बार अपनी तरफ से देख, तुझे ऐसी हालत में मैं कैसे छोड़ देती। अरे अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ बाप कोई भी कर्म करने के लिए तैयार होते हैं, और अगर मैंने उससे कुछ पैसे मांगे तो कौन सा बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने, बोलो। मौसी कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता बेटा। वैसे भी साहिल का फर्ज बनता है कि वो तुम्हारी जान बचाए, एक बार तुमने भी तो उसकी जान बचाई थी, याद है ना? मौसी जब इंसानियत का फर्ज अदा किया जाता है तो उसकी कीमत नहीं ली जाती। बस मुझे इंसानियत की बात मत पढ़ाओ, मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। राजलक्ष्मी नाम है मेरा और मेरी कुंडली में लक्ष्मी पर राज करने का योग लिखा है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। आपने हर काम गलत ही किया, आपको साहिल के पास जाना ही नहीं चाहिए था मौसी, मैंने मना किया था ना आपको। और डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है, अपने दिमाग को इतना परेशान मत करो, चलो अब लेट जाओ आराम करो, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अपनी जिम्मेदारी निभाना मुझे अच्छी तरह से आता है। राजलक्ष्मी नाम है मेरा, जानती हूँ आपकी कुंडली में लक्ष्मी पे राज करने का योग है। हाय हाय हाय, कितनी समझदार है मेरी बेटी, किसी कितना जरना लग जाए। चलो अब आराम करो। लौट आई वो भी खाली हाथ, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए तोहफा खरीदने जा रही हो, तोहफा पसंद नहीं आया या मेरी पसंद का तोहफा खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी? मेरी हैसियत इतनी है जितनी चौधरी खानदान की प्रॉपर्टी की आधी की, आपकी तरह नहीं जिसकी हथेली पर एक सिक्का तक नहीं है। खैर, मैंने जो वादा किया था उसे निभाकर आई हूं। सुनो, मैडम जी, लाखा का नमस्कार।